मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और तुम्हारा भाई भी मस्त है। तो आज का व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे और ये मैं पी रहा हूँ चाय। तो चलो चलते छत की ओर। फाइनली दोस्तों मैं छत पर आ चुका हूँ और 2 मिनट रख देता हूँ। तो मैंने 3-4-5 दिन से व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे करना था ट्रेवलिंग व्लॉग और घर वाले परमिशन नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे, मना कर रहे थे अभी कि अभी ठंडी ज़्यादा है, अभी ठंडी ज़्यादा है। तो फाइनली उन्होंने बोल दिया कि ठीक है चले यार। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा संतोष भैया से मिलने, संतोष रोकड़े, आप अच्छे से जानते हो संतोष जी रोकड़े जो कि खरगोन जिले से। तो मैं कल जाने वाला हूँ उनसे मिलने के लिए। आप लोग नहीं जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप जाके देख लेना और देखते कैसा क्या रहेगा। तो मैं सो कल की तैयारी पूरी हो चुकी हुई है। मैंने शुरू से सोचा था कि अगर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर तो दिया था मैंने काफ़ी टाइम से, पर ट्रेवलिंग ब्लॉग ही करूँगा मैं। तो घर वाले भी मना कर रहे थे, बोला ठंडी ज़्यादा भी कहा जाएगा ये वो। मैंने बोला कहीं नहीं, अभी थोड़ा ठंडा भी कम हुआ है तो क्यों ना कल जाया जाए। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं इंदौर के जितने भी प्रसिद्ध चीज़ें वो सब शूट करूँगा, उसके व्लॉग बना बना के आपको देऊँगा। मेरे जूते भी धुल चुके हैं कल के लिए, वो रखे पीछे जूते मेरे, तो बस कल पहनेंगे और निकल जाएंगे सुबह। तो मैं कल सुबह निकलूँगा 5:30 बजे उठ के, क्योंकि काफ़ी दूर है इंदौर से तो जाने में टाइम तो लगेगा। अब टाइम लगेगा तो पहले निकलना पड़ेगा। पता नहीं भैया घर पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ अभी, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो कैसे कॉन्टैक्ट होगा। बाकी मैं उनको वीडियो पर काफ़ी समय से यूट्यूब पर फॉलो करता आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा अगर मैं भी ब्लॉगिंग कभी स्टार्ट करूँगा लाइफ में तो पहले उनसे ही मिलूँगा, क्योंकि यार उनसे ही मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिला है। और हाँ मोटिवेट मिलेगा क्योंकि वो क्या ही बताऊँ मैं, वो मतलब कि हार्ड वर्क करते थे, ईंट भट्टे पे काम करते थे और एक साथ दोनों काम करते थे, मतलब व्लॉगिंग फिर काम, व्लॉगिंग फिर काम, ऐसे करके। तो उनने बहुत स्ट्रगल करा तो मेरे को उनसे कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट मिला है। तो मैंने सोचा कि उन्हें पहले उनसे मिला जाए और उनसे कुछ सीख ली जाए। तो मिलते हैं कल उन्हीं के घर पर। तो इस व्लॉग तो क्या था, मतलब एक आप लोगों को बताने का ये मेरा था कि मैं कल मतलब और मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। तो आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ कल।